इंदौर के श्रीकृष्ण एवेन्यू में विश्व कल्याण समिति के संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कवि एवं कथाकार डॉ. राजीव शर्मा के मुख से श्रीकृष्ण श्री राम कथा प्रवचन संपन्न हुआ। इस आयोजन में श्रीकृष्ण और श्री राम के चरित्र के साथ साथ उनके वैज्ञानिक प्रमाणों को भी प्रस्तुत किया गया। कथावाचक डॉ. राजीव शर्मा ने जब वैज्ञानिक प्रमाणों सहित भगवान श्री राम एवं श्रीकृष्ण के चरित्र को भक्तों के सामने प्रस्तुत किया तो कथाओं की परंपरा को एक नया आयाम मिला। चाहे बाल कांड हो, चाहे लंका कांड हो, शबरी का प्रसंग हो या फिर रावण का वध हो, इन सभी प्रसंगों को कथावाचक डॉ. राजीव शर्मा ने वैज्ञानिक प्रमाणों सहित संगीतमय प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा भक्त है जो भगवान से कुछ मांगता नहीं है, भगवान भक्त से मांगते हैं। केवट में कभी कुछ नहीं मांगा भगवान से, भगवान मांगते हैं। वो गंगा के किनारे पर आए हैं और भगवान क्या कह रहे हैं, मांगी नाव। भगवान ने नाव मांगी, न केवट आना, और केवट पे कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। भगवान मांग रहे हैं, भक्त मना कर रहे हैं। केवट बड़ा हठीला भक्त है, मांगी नाव न केवट आना। क्या बोल रहा है केवट, कहूं तुम्हार मरम मैं जाना कि हे रामचंद्र जी, तुम्हारे है ना ये पांवों के रहस्य को मैं बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूं। तो रामचंद्र जी ने पूछा, भैया क्या जानता है? तो केवट ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पांव की धूल से शिलावत अहिल्या नारी बन गई। तो जब वो पत्थर की नारी बन गई तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, यदि तुम्हारी चरण तक मेरी नाव को लग गई तो फिर ये भी नारी बन जाएगी, और नारी बन गई तो दो बात हो जाएगी, या तो वो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, वो मुनि के पास चली जाएगी मेरी नाव, किसी मुनि के पास, या फिर वो नारी मेरे घर में आ जाएगी। अब प्रभु श्री राम जी, महंगाई का जमाना है, घर में एक नारी ऑलरेडी है, दूसरी और आ गई तो एक तो संभलती नहीं, मैं दो दो कहां से संभालूंगा। तुम कहो हूं तुम्हार मरू मैं जाना, तुम्हारा रहस्य मैं जानता हूं। कथा के दौरान मनमोहक संगीत और भजनों से लोगों को एक नई और अलग प्रकार की ऊर्जा मिली। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।